हेलो मेरे लेडीज एंड लेडास, कैसे हो आप सभी लोग। होप कि आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पोकेमोन होरिजन द न्यू पोकेमोन सीरीज का एपिसोड नंबर 1, और उसका मैं ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। तो यार, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यार, चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यार, यहाँ पर मैं आपको एपिसोड 1 में दिखाए जाने वाले सभी कैरेक्टर के साथ आपका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहला हमारा कैरेक्टर आता है अमेथियो, जिसके पास एक बहुत ही शानदार लेजेंडरी पोकेमोन रहता है। और ये बंदा जो होता है वो काफी मिस्टीरियस होता है इस पूरे एपिसोड के अंदर। और फिर हमारे साथ आते हैं ये चार बंदे, जो कि यार एक टीम के मेंबर होते हैं। और इन टीम का नाम तो कुछ मैं बताया नहीं जाता, मगर ये चार बंदे जो होते हैं वो काफी यार स्किल प्रूफ होते हैं। और इनका बॉस होता है हमारा फ्रिज नाम का एक बंदा, जो कि यार इस एपिसोड का इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और इसके पास एक कैप्टन पिकाचू नाम का पिकाचू भी है, जो कि यार लिटरली यार एक पोकेमोन जहाज उड़ाता है। वो मैं आपको इस एपिसोड के अंदर दिखाने वाला हूँ, तो कि यार बहुत ही मजा आ जाएगा यार। कैप्टन पिकाचू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोकेमोन है। और भाई, ये फ्रिज जो होता है वो एक मिशन के अंदर होता है, जो कि मिशन होता है इस लड़की के पास से नेकलेस लेने का, जो कि नेकलेस होता है बहुत ही कीमती, और उसके अंदर भी एक मिस्टीरियस पोकेमोन छुपा हुआ होता है। मगर मैं आपको स्पॉइलर ज़्यादा नहीं दूंगा, एपिसोड के अंदर दे दूंगा शायद से। तो यहाँ पर यह सब कुछ होता है। और हाँ, हमारे जो अमेथियो होता है ना, अमेथियो के साथ भी दो उसके पार्टनर रहते हैं, जो कि ये दोनों होते हैं। और यार, इन दोनों की जो टीम होती है वो इविल टाइप होते हैं, मतलब कि इन लोगों को पहले एपिसोड में इविल बताया गया है। और ये लोग नेकलेस छीनने के पीछे रहते हैं, मगर एपिसोड जब जब आगे बढ़ेगा तब तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टीम है वो यार गुड टीम बन जाएगी, मतलब कि एंटी हीरो टाइप की ये पूरी टीम है अमेथियो की। अब आगे जाकर हमें पता चलेगा कि अब क्या होगा इस एपिसोड के अंदर। और इसका मेन कैरेक्टर होती है हमारी लिको नाम की एक लड़की, जिसके पास होता है ये नेकलेस, जिसके पीछे ये पूरा एपिसोड बना हुआ है। और सभी लोग ये नेकलेस लेना चाहते हैं, और पता नहीं कि इस नेकलेस के अंदर क्या है ऐसा। तो यार, सभी के सभी इसके पीछे पड़ गए हैं। और यार, यहाँ पर हम होती है हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग। अब तो यहाँ पर लिको नाम की कैरेक्टर होते हैं, वो 10 साल की हो जाती है और वो चली जाती है पोकेमोन स्कूल के अंदर। और ये स्कूल ऐसा वैसा स्कूल नहीं होता, ये काफ़ी शानदार स्कूल होता है। और इसके अंदर हॉस्टल की फैसिलिटी भी होती है। सो ये लिको हॉस्टल के अंदर ज्वाइन हो जाती है, और फिर जो मज़ा आता है ना गाइज, वो यार अलग ही लेवल का है। अगर आपने इसका एपिसोड नहीं देखा तो यार प्लीज़ जाकर देख लो, क्योंकि यार ये जापानीज में अवेलेबल है। और यार, मैं ठीक से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मगर यार आप खुद जाकर देखोगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो यह जैसे स्कूल के अंदर जाते हैं, तो उसके रूममेट के तौर पर उसको एक मिलती है लड़की, जिसका नाम होता है एन। और यह एन नाम की बंदी हमें दिखाई जाती है कि यह बहुत ही चिल टाइप की बंदी होती है। और उसको बस स्टार्टर पोकेमोन लेने के लिए स्कूल आना था, तो फिर वो उसको सभी डिटेल्स बताती है और ये दोनों फ्रेंड्स बन जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे स्कूल के अंदर स्टार्टर पोकेमोन चुनने के लिए प्रोफेसर आ जाते हैं, प्रोफेसर मीन्स उनके क्लास टीचर। ओके, और क्लास टीचर आके बताते हैं कि तुम लोगों को जनरेशन 1 से लेकर 9 तक जो भी पोकेमोन चूज करना है एज अ स्टार्टर पोकेमोन, वो आप लोग चुन सकते हो। तो सभी लोग अपना अपना स्टार्टर पोकेमोन चूज कर लेते हैं। यहाँ पर एनी जो होते हैं वो आशुवाट को चूज करते हैं, और हमारे लिको जो होते हैं वो इस ग्रीन वाले पोकेमोन को चूज करते हैं। और आप को ये बताना पड़ेगा कि इस पोकेमोन का नाम क्या है एज अ पोके क्विज। तो जल्दी से इस पोके क्विज का आंसर दो, और पाओ शॉर्ट आउट पाने का मौका नेक्स्ट वीडियो में। सो इस पोकेमोन का नाम क्या है जल्दी से बताओ। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमें ये बात भी बताई गई है कि जो हमारे जो मेन कैरेक्टर होती है उसको नोट्स बनाना बहुत ही पसंद होता है। वो रोटोम डेस्क के अंदर कुछ ना कुछ लिखती ही रहती है अपने पोकेमोन या फिर अपने स्कूल या फिर अपने डे के बारे में। तो यार, फिर वो अंत में जाकर एक नाइट को उसकी दोस्त को बता देती है कि यार मेरे पास एक खास नेकलेस है जो कि मुझे अपनी ग्रैंड माँ के तरफ से मिला था, और अब मुझे इसका प्रोटेक्शन करना होगा। और हाँ, इस पोकेमोन एपिसोड के अंदर हमें पोकेमोन की यूट्यूब चैनल भी दिखाई जाती है, जिसके अंदर ऑनलाइन स्टडी के बारे में हमें मटेरियल दिया जाता है, यानी कि जो कि हमारे रियल लाइफ से ही ज़्यादा कनेक्टेड है। यानी कि हमें स्कूल में पता नहीं चलता तो हम यूट्यूब पर जाकर ट्यूटोरियल्स देखते हैं, बस वैसा ही है पोकेमोन चैनल के अंदर, जो कि यूट्यूब के अंदर होती है इस एपिसोड के अंदर। ओके, और फिर हमें बताया जाता है कि यह नेकलेस लेने के लिए अमितो आ जाता है, जो कि इस एपिसोड का विलन होता है, जो कि एंटी हीरो टाइप का होता है, बहुत ही चिल बंदा होता है, मतलब कि सुपर डुपर। और ये अमितो नाम का बंदा आता है और उसको बोलता है लिको को, यार मुझे शांति से नेकलेस दे। तो ये कुछ भी नहीं करता यार, गुंडे वाली हरकतों को तो बिल्कुल भी नहीं करता, बस शांति से मांगता है भाई नेकलेस दे दो, मुझे नेकलेस चाहिए। तो ये जो लिको होते हैं वो नेकलेस नहीं देती और वहाँ से भाग जाते हैं छत के ऊपर। और यार, फिर ये उसके जो गुंडे लोग होते हैं अमितो के, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी बैटल होती है हमारे लिको और उस गुंडों के बीच में, मगर लास्ट में अमितो फिर से आ जाता है उसके रास्ते में और फिर से नेकलेस मांगने लगता है। मगर यहाँ पर फिर हमारे मेन कैरेक्टर
यानी कि साइड कैरेक्टर के एंट्री हो जाती है, जो कि होता है हमारा फ्रीज और उसके चाइजार्ड की। और चाइजार्ड भी काफ़ी यार बहुत ही पावरफुल लग रहा होता है। मुझे ये नहीं पता कि यार हर एक बंदे के पास जो कि यार पावरफुल होता है एनिमे के अंदर, उसके पास चाइजार्ड ही क्यों होता है, कोई दूसरा पोकेमोन क्यों नहीं बताया जाता उनके पास, आई डोंट नो। ओके सो यार यहाँ पर जो फ्रीज होता है वो उस बंदे को कहता है कि यहाँ से निकल जाओ ठाकुर, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ के अपने साथ ले जाऊँगा और इस बंदी को मेरे हवाले छोड़ दो। तो यार भैया बंदी कंफ्यूज होती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और यहाँ पर काफ़ी यार मज़ेदार बैटल होती है लेजेंडरी पोकेमोन और चारिज़ार्ड के बीच में। और इस पोकेमोन का नाम होता है सीजड्योर, ऐसा कुछ नाम होता है मुझे नहीं मालूम, मैं आपको इसकी स्पेलिंग वीडियो के अंदर लिख के दे दूंगा, आप खुद ही रीड कर लेना, काफ़ी हार्ड नेम है इसका। तो ये बैटल तो काफ़ी भयानक होती है, मगर ये जो लड़की होती है वो छत के ऊपर से कूदने की कोशिश कर रही होती है और इतने में ही यार ये जो लेजेंडरी पोकेमोन का अटैक होता है एक, वो आकर उस लड़की को लग जाता है। और फिर हमें एपिसोड के एंड में ये बताया जाता है कि वो अटैक लगने के बाद कुछ ऐसे शील्ड बन जाती है उस लड़की के इर्द गिर्द और यहाँ पर एपिसोड बंद हो जाता है, यानी कि ये नेकलेस के अंदर से ही शील्ड उत्पन्न होता है। सो आई होप दोस्तों आपको इस एपिसोड में मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और यार बताओ कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि इस एपिसोड के पार्ट टू में। ये एपिसोड का पार्ट वन था और इसका पार्ट टू जल्दी आ जाएगा अगर आपने इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो। ओके और आप पॉकेट क्विज का आंसर देना मत भूलिएगा। ओके सो टाटा एंड बाय बाय।